हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में एक पैसेज ट्रांसलेशन को स्टडी करेंगे। हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है और उस वाक्य के संबंधित रूल्स को भी हम समझते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखिए, लिखा है कि महात्मा गांधी के तीन बंदर मानव स्वभाव के तीन महान गुणों का प्रतीक है। महात्मा गांधी के तीन बंदर मानव स्वभाव के तीन महान गुणों का प्रतीक है। आइए देखिए इसको कैसे ट्रांसलेट किया है। देखिए लिखा है कि द थ्री मंकीज ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के तीन बंदर आर द सिंबल्स, प्रतीक हैं ऑफ थ्री ग्रेट क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर। कह रहा है कि मानव स्वभाव के तीन महान गुणों का, देखिए लिखा है महात्मा गांधी के तीन बंदर मानव स्वभाव के तीन महान गुणों का प्रतीक है। फ्रेंड्स इसमें जो है केवल है लगा है, इसमें इज आर और एम का प्रयोग है, तो अब यह निर्भर करता है कि सब्जेक्ट क्या है उसके अनुसार इज लेगा कि आ लेगा कि एम लेगा। फिर से मैं बता देता हूँ, देखिए लिखा है कि महात्मा गांधी के तीन बंदर मानव स्वभाव के तीन महान गुणों का प्रतीक है। देखिए द थ्री मंकीज ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के तीन बंदर और द सिंबल्स प्रतीक हैं, किसके प्रतीक हैं, आप थ्री ग्रेट क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव के तीन महान गुणों का। ह्यूमन नेचर मतलब मानव स्वभाव। नेक्स्ट है, पहला बंदर जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं संदेश देता है कि व्यक्ति तथा संसार की बुराई को नहीं देखना चाहिए। देखिए इसमें लिखा है कि पहला बंदर द फर्स्ट मंकी, फिर कि जिसने के लिए लगाया दैट द फर्स्ट मंकी, प्रथम बंदर दैट जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी है, स्केप्ड इट्स आइज, अब कह रहा है जिसने अपनी आंखों को बंद कर रखा है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में है इसलिए यहाँ पर हैज लगा है और क्रिया कीप का सेकेंड थर्ड फॉर्म में किप। फिर से देखिए द फर्स्ट मंकी, प्रथम बंदर दैट जिसने हैज स्केप्ड इट्स आइज, अपनी आंखों को बंद कर रखा है। अब यहाँ पर अपनी के बंदर है तो अपने के लिए यहाँ पर इट्स का प्रयोग है। अब उसके बाद क्या है, संदेश देता है कि व्यक्ति तथा संसार की बुराई को नहीं देखना चाहिए। अब देखिए संदेश देता है या वाक्य ता है ती है ते आता है किसमें, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है गिव्स, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में इसलिए गिव में यस लगा है, गिव्स अस द मैसेज, कह रहा कि हमें संदेश देता है दैट की वी शुड नॉट वॉच, हमें नहीं देखना चाहिए द एवल्स ऑफ द मैन, आदमी की बुराइयों को एंड द वर्ल्ड और संसार की बुराइयों, मतलब आदमी और संसार की बुराइयों को हमको नहीं देखना चाहिए। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, द फर्स्ट मंकी, प्रथम बंदर दैट जिसने दैट हैज केप्ट इट्स आइज क्लोज्ड, जिसने अपनी आँखों को बंद कर रखा है, गिव्स अस द मैसेज, करा हमें संदेश देता है दैट की वी शुड नॉट वॉच द एवल्स, एवल्स में था बुराई, वी शुड नॉट वॉच, हमें देखना नहीं चाहिए द एवल्स ऑफ द मैन एंड द वर्ल्ड, कह रहा है कि आदमी और संसार की बुराई। नेक्स्ट है, दूसरा बंदर जिसका मुंह बंद है, कह रहा है कि संदेश देता है कि किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। दूसरा बंदर जिसका मुंह बंद है, देखिए लिखा है द सेकेंड मंकी विथ इट्स क्लोज्ड माउथ, ये थोड़ा सा इसका भावार्थ यहाँ पर स्पष्ट किया है, क्या द सेकेंड, दूसरा बंदर विथ इट्स क्लोज्ड माउथ, अपने बंद मुंह के साथ, दूसरा बंदर अपने बंद मुंह के साथ या बंद मुंह वाला दूसरा बंदर, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं द सेकेंड मंकी हुज माउथ इज क्लोज्ड, इसको ऐसे लिख सकते हैं हुज माउथ इज क्लोज्ड, ऐसे लिख सकते हैं, या इस तरह भी लिखिए द सेकेंड मंकी विथ इट्स क्लोज्ड माउथ, कह रहे बंद मुंह वाला दूसरा बंदर कन्वेज द मैसेज, यह संदेश देता है, यहाँ आप गिफ्ट भी लगा सकते हैं, गिफ्ट भी लगा सकते हैं जैसे यहाँ पर लगा हुआ है गिफ्ट, कानवे का मतलब भी होता है बताना, प्रकट करना, व्यक्त करना। कराया कि द सेकेंड मंकी, दूसरा बंदर विथ इट्स क्लोज आइज, अपनी बंद मुंह के साथ कन्वेज द मैसेज, यह संदेश देता है दैट की वी शुड नॉट स्पीक इल ऑफ एनीबडी, कह रहा है कि वी शुड नॉट स्पीक इल, हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए ऑफ एनीबडी, किसी के प्रति या किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट है, और तीसरा बंदर जिसके कान बंद हैं संदेश देता है कि किसी की बुराई अथवा निंदा नहीं सुननी चाहिए।
ये कह रहा है कि द थर्ड मंकी, तीसरा बंदर विथ क्लोज ईयर्स, बंद कानों वाला, कह रहा है द थर्ड मंकी तीसरा बंदर विथ क्लोज आइज, बंद कानों के साथ या बंद कानों वाला तीसरा बंदर, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि द थर्ड मंकी तीसरा बंदर हुज ईयर्स आर क्लोज्ड, जिसके कान बंद हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। कह रहा है कि गिव्स द मैसेज, संदेश देता है, नॉट टू लिसन, न सुनने के लिए, क्या न सुनने के लिए, टू द इल क्रिटिसिजम ऑफ एनीवन, कह रहा है किसी भी व्यक्ति की बुराई को, इल क्रिटिसिजम मतलब बुराई, इल का मतलब बुरी, क्रिटिसिजम मतलब आलोचना, बुरी आलोचना अर्थात बुराई, फिर से बता दे इसको, कह रहा है द थर्ड मंकी तीसरा बंदर विथ क्लोज ईयर्स, बंद कानों वाला, गिव्स द मैसेज, संदेश देता है, नॉट टू लिसन टू द इल क्रिटिसिजम ऑफ एनीवन, किसी भी व्यक्ति की बुराई को न सुनने के लिए, यहाँ इल क्रिटिसिजम मतलब बुरी आलोचना या बुराई, यहाँ बुराई अथवा निंदा दोनों सेम ही, एक ही बार में यहाँ लिख दिया है, बुराई अथवा निंदा को एक ही यहाँ इल क्रिटिसिज्म लिख दिया गया है। वास्तव में यदि संसार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इन तीनों बातों का अपने व्यवहार में पालन करे तो वैयक्तिक, पारस्परिक, पारिवारिक एवं सामाजिक तनाव अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। ये कह रहा है कि वास्तव में, अब देखिए यहाँ पर वास्तव में का मतलब ट्रूली, ट्रू मतलब वास्तव में, यदि संसार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इन तीन बातों का व्यवहार में पालन करे, कह रहा है इफ़ यदि एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति इन दिस वर्ल्ड, संसार में, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति फॉलोस, अनुसरण करता है दिस थ्री प्रिंसिपल्स इन इस बिहेवियर, कह रहा है कि अपने व्यवहार में इन तीन सिद्धांतों का, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, कह रहा है कि फॉलोज दिस थ्री प्रिंसिपल इन हिज बिहेवियर, अपने व्यवहार में तीन सिद्धांतों का अनुसरण करता है, देन तब जो है पर्सनल, व्यक्तिगत, म्यूचुअल, पारस्परिक, फैमिली इश्यू, कह रहा है कि पारिवारिक मामले एंड सोशल टेंस और सामाजिक तनाव विल एंड अप देमसेल्फ, कह रहा है कि विल एंड अप, समाप्त हो जाएंगे देमसेल्फ, स्वयं ये स्वयं समाप्त हो जाएंगे। देखिए यही कह रहा है इसमें ना, वास्तव में यदि संसार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इन तीन बातों का अपने व्यवहार में पालन करे तो वैयक्तिक, पारस्परिक, पारिवारिक और सामाजिक तनाव अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। इस बार मैं फिर एक बार फिर से उसको बता रहा हूँ, थोड़ा सा सेंटेंस लंबा है, कह रहा है कि ट्रूली वास्तव में इफ एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड, यदि प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में फॉलोज, अनुसरण करता है, फॉलो मीन्स अनुसरण करना, दिस थ्री प्रिंसिपल्स इन इस बिहेवियर, कह रहा है अपने व्यवहार में इन तीन सिद्धांतों का, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, देन तब, कह रहा है तब पर्सनल, तब वैयक्तिक, म्यूचुअल, पारस्परिक, फैमिली इश्यूज, पारिवारिक मामले एंड सोशल टेंस और सामाजिक तनाव, कह रहे विल एंड अप देमसेल्फ, कह रहे ये स्वयं क्या हो जाएंगे, एंड अप मतलब समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है तनाव के कारण उत्पन्न बीमारियां भी समाप्त हो जाएंगी, ये तनाव के कारण उत्पन्न बीमारियां भी समाप्त हो जाएंगी, थोड़ा सा इसका भावार्थ चेंज करके बनाया है, कह रहा है कि इसी के साथ, ठीक है, चूंकि इसमें लिखा नहीं इसी के साथ, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस के अनुसार यहाँ जोड़ दिया गया है, विद इसी के साथ द डिजीज, बीमारियां ड्यू टू टेंशन, तनाव के कारण बीमारियां विल आल्सो एंड अप, कह रहा है कि विद इसी के साथ द डिजीज ड्यू टू टेंशन विल आल्सो एंड अप, कह रहा है कि इसी के साथ तनाव के कारण जो बीमारियां वो भी समाप्त हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये रहा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन, मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की, एक या दो बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स पैसेज ट्रांसलेशन के बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं और आप जानते हैं कि बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में ट्रांसलेशन पर और एसे पर, एसे के भी बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, यदि आप इनको देख लेते हैं, मेरे सारे वीडियो को देखते हैं, तो मैं निश्चित रूप से आप में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा, परीक्षा में किसी प्रकार का टेंशन आएगा आप जो है उसको कर सकते हैं, और हो सकता है कि जो मैं बता रहा हूँ उसी से कोई एक टेंशन आ जाए, क्योंकि जो है ट्रांसलेशन रिपीट होते रहते हैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद ऐसे। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। फ्रेंड्स थैंक यू।